ब्रेक के बाद पुरगन में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरगन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाइयों को तिलक कर कलाइयों पर बांधी राखी। मंडी पुलिस ने शहर की इंदिरा मार्केट में हुई चोरी की वारदातों का किया पर्दाफाश, मास्टरमाइंड को भी किया गिरफ्तार। हमीरपुर में आईपीएच विभाग द्वारा किया गया रैली का आयोजन। आईपीएच विभाग स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति करेगा जागरूक। और डलहौजी में स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल से शुरू हुई भाजपा की तिरंगा यात्रा। मंडी शहर के समखेतर मोहल्ला में एक बैल को नाली के कीचड़ में बुरी हालत में देखकर लोगों ने उसका उपचार करवाया। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने सरकार से आवारा गांवों को किसानों की गौशाला में पुनर्वास करने की मांग की है। आवारा गांवों की हालत किसी से छिपी नहीं है। यह गांवों लोगों द्वारा शहरों और गांवों में अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दी जाती हैं और लोगों की दया व रहमो कर्म पर अपना जीवन जीकर अल्पकालिक मौत का शिकार हो जाती हैं। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि यह समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। उन्होंने सरकार से इन आवारा गांवों को किसानों की गौशाला में पुनर्वास करने की मांग की, ताकि गांवों की स्थिति में सुधार हो सके। यहां गर्ल्स स्कूल के पास पशुपालन मंत्री के घर के बाहर ये बैल जो है वो दो दिनों से पड़ा हुआ है, बीमार है। और सरकार दावे करती है कि गौसंवर्धन के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। जिला प्रशासन दावे करता है कि गौसदन खोले हुए हैं। तो यहाँ हमने कमेटी को भी बताया, जिला प्रशासन को भी बताया, यहाँ पुष्पराज कात्यायन जो पार्षद है उनका कहना है कि कमेटी तो छोड़ देगी लेकिन गौसदन वाले 3,000 रुपये मांगते हैं, तब कहीं बैल लेंगे। अगर इस तरह का धंधा अगर चलाना है तब तो गौसदन चल चुके हैं, अब गौसंवर्धन हो चुका। हमने पहले भी इस बारे में आंदोलन किए हैं कि लावारिस कमुओं का जो पुनर्वास है वो गौशाला में किया जाए। जिस तरह से बंदरों का पुनर्वास हम वनों में मांग रहे हैं, तो अगर मंत्री के घर के बाहर ही, पशुपालन मंत्री के घर के बाहर ही इस तरह से गौसंवर्धन होगा कि नाली में पड़ा हुआ है कल से बैल, 2-3 बार इसको निकाल चुके हैं यहाँ से, अगर इस तरह से गौसंवर्धन होगा तब तो गाय का कल्याण हो चुका। तो हमारी सरकार से और ये लगातार हम आंदोलन के जरिए भी और अदरवाइज भी हम मांग करते रहे हैं कि इनका पुनर्वास कीजिए। और गौसदन वैसे भी इसका समाधान नहीं है, अगर वहाँ 3,000 रुपये लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। महिला मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी उस समय मिली है जब महिला मोर्चा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने कहा कि अगला वर्ष चुनावी वर्ष होने के कारण उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। इंदु गोस्वामी ने सन 1988 से 1990 तक विद्यार्थी परिषद में काम किया है और सन 1991 से 1998 तक जिला व प्रदेश युवा मोर्चा में सचिव व उपाध्यक्ष के पद पर रही है। 1998 से 2002 तक 2 बार प्रदेश युवा मोर्चा की महामंत्री रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा बनी तो महिला आयोग की अध्यक्ष व 2001 में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और पिछले 3 वर्षों से प्रदेश भाजपा की सचिव के रूप में कार्य कर रही थी। उनके लिए गर्व की बात यह है कि उन्हें पहली परिचारक के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझसे पहले जितनी भी प्रदेश अध्यक्षाएं इस पद पर रही हैं उन्होंने महिला मोर्चा को बहुत सफलता प्रदान की है। मैं उनका सहयोग लेते हुए, उनके काम को आगे बढ़ाते हुए महिला मोर्चा को और सुदृढ़ करूंगी और संगठित करूंगी।
ऐसा मेरा मानना है। महिला जो है वो किसी भी समाज का आधार स्तंभ है, किसी भी संगठन में ये स्तंभ जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही उस संगठन को बल मिलेगा, उस संगठन को दृढ़ता प्रदान होगी। यही सोचकर भाजपा में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता बढ़े, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। जहाँ प्रदेश भर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं मंडी में भी इस पर्व को लेकर खासी धूम देखने को मिली। बच्चों और बड़ों ने इस त्योहार को बड़े ही खुशी से मनाया। भाई और बहन के पवित्र प्यार व स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का वचन दोहराया। मंडी में भी यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया और हर उम्र वर्ग के लोगों ने इस पर्व के प्रति खुशी व्यक्त की। लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से मिलती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, तो इससे बचपन के दिनों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मैंने अपने भाइयों को राखी पहनाई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने मुझे प्यार दिया है बहुत, और इन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं और इन्होंने मुझे मिठाइयाँ खिलाई हैं। और रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर घरों में परिवारों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला और बच्चे इस मौके पर काफ़ी खुश नजर आए। नन्ही आयुषी और आस्था ने अपने भैया अरमान को माथे पर तिलक कर राखी बांधी और मिठाई खिलाई और घर में काफ़ी मस्ती की। अरमान ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी नन्ही बहनों से बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। मेरा नाम अरमान है और मेरी बहनों ने मुझे राखी अपनाई है और मैंने इनको गिफ्ट दिए हैं। और इस फेस्टिवल में मैंने अपनी बहनों को बहुत रक्षा की है और मैंने इनको बहुत गिफ्ट दिए हैं और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं और कभी लड़ाई नहीं करती हैं मेरे से, और ये फेस्टिवल बहुत अच्छा है। थैंक यू। वहीं नन्ही आस्था ने भी अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। आस्था ने कहा कि वे राखी के मौके पर बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी और बहुत मिठाई खिलाई और खूब मस्ती की। रक्षाबंधन का द्वारा एक भाई और बहन का एक गुड़ संबंध है और बहन ने अपने भाई को राखी जो है वो एक सुरक्षा के से बांधती है। बहने आज हमारे घर आई थी, हम देखते आ रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जितने हम छोटे थे उतना ज़्यादा आनंद आता था रक्षाबंधन पढ़ने का, क्योंकि सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे, सारे बहनें इकट्ठी होती थी, भाई इकट्ठे होते थे, तो लगातार जो है वो सब भाई बहन आपस में राखी बांधते थे। आज भी हम ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। स्वच्छ जल कैसे मिले, इसके लिए IPH विभाग हमीरपुर द्वारा गांधी चौक पर रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर IPH विभाग के सभी कर्मचारी, जिला परिषद के अध्यक्ष और मेंबर मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। हमीरपुर जिला में IPH विभाग ने नाट्य और संगीत के द्वारा गांधी चौक पर रैली का आयोजन किया, जिसमें IPH विभाग के सभी कर्मचारी और जिला परिषद के अध्यक्ष और मेंबर मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि स्वच्छ पानी ही पिएं। उन्होंने कहा कि विभाग ने 226 पंचायतों को पानी के टेस्ट करने की किट्स प्रधानों को दी है, जिससे पानी को टेस्ट किया जा सकता है। इस बारे में IPH विभाग के एक्शन निरंजन भोगल ने बताया कि विभाग ने जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छ जल पानी के बारे में जागरूक किया। तहत हमारे हर ब्लॉक में BRC है, वो BRC ने पंचायत लेवल तक सभी लोगों को पानी के सैंपल टेस्ट करने के लिए अवेयर किया है। उनको हमने टेस्ट किटें दी हुई हैं, वो अपने ग्रास रूट लेवल तक वर्कर को सिखाते हैं कि पानी को हमने कैसे टेस्ट करना है, उसके सैंपल की कैसे टेस्टिंग करनी है, ताकि अगर कहीं ऐसा कोई सोर्स
दूषित होता है, तो गाँव पे ग्रासरूट लेवल पे ही हमें पता चल जाए कि हमारा पानी का सैंपल जो है वो ठीक नहीं है, तो लोगों में अवेयर हो जाएगा, तो बीमारियां वहीं पे रुक सकती हैं इससे पहले कि कोई ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज फैले। सर आप पंचायत लेवल तक ही दी गई है, अगर जो वाटर गार्ड तक है उसका प्लानिंग ऐसी है नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा है तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आगे मामला उठाएंगे, तो ताकि सभी तक वाटर गार्ड तक किट उपलब्ध हो। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए के चैनल। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी डर्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवेरी, दाग, मौके छाइयां, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट, 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम लाइक शुगर, बीपी, दमा, वादरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। वीरवार को जहां रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं मंडी स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में अमरनाथ गुफा की तर्ज पर कृत्रिम बर्फीली गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाए गए। वीरवार को रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का वचन दोहराया। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर मंडी शहर के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में अमरनाथ गुफा की तर्ज पर श्रद्धालुओं को कृत्रिम अमरनाथ गुफा के दर्शन करवाए गए और श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। मंडी की नहीं रहने वाली हूँ मैं, कांगड़ा की हूँ, तो आज मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आ रही हूँ, और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैं रिवाल से वगैरह गई थी, तो ये मेरा फर्स्ट है यहाँ पर विजिट इस टेम्पल में। तो बाहर से तो मंदिर बहुत ही शानदार है, और जब हमने ये देखा दृश्य, तो इस दृश्य को, इस मंदिर के अंदरूनी दृश्य को देख के, मतलब हम जो टेलीविजन में अमरनाथ मंदिर को देखते हैं उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिजेम्बलेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से दिखाने की, तो अच्छा लगा, चलो एक नई चीज़ थोड़ी सी देखने को मिली। मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि लगभग पिछले 30 वर्षों से मंदिर में अमरनाथ गुफा के दर्शन करवाए जा रहे हैं। हर वर्ष इस प्रकार कृत्रिम गुफा का निर्माण कर भोलेनाथ के दर्शन करवाए जाते हैं। 30-35 सालों से निरंतर यहाँ भी जो है गुफा बन रही है, बहुत पहले बर्फ की बनाते थे, कुछ एक साल वो भी चली, और उसके बाद अब आर्टिफिशियल एक रूई के रूप से बनाते हैं ताकि लोग जो नहीं जा सकते हैं समय अभाव किसी कारण से, तो यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। भावना की ही बात है, भावना का ही सारा खेल है। कई लोगों को यहाँ भी डर लगता है कि आपको कबूतर कबूतरी दिख गए, और कई लोग आकर के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि हमको बड़ी अच्छी ठंडक यहाँ लग रही है, मतलब भावना से बड़ा कोई खेल नहीं है। तो 31 साल से जो है इसको मना रहे हैं भगवान अमरनाथ जी की गुफा। आज ये दर्शन जो है प्रातः 5 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक चलते हैं। श्रद्धालुओं से, भक्तों से यही अनुरोध है कि समय पर आकर के भगवान अमरनाथ जी की पावन गुफा के दर्शन करें और जीवन का जो है लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। मंडी पुलिस ने मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में बैंक की शाखा और ज्वेलर्स की शॉप में हुई चोरी के मामलों में संलिप्त चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है। मंडी पुलिस ने मंडी शहर में चोरियों के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है।
इंदिरा मार्केट में स्वर्ण शोरूम और बैंक की शाखा में चोरी के प्रयास में मुख्य आरोपी बौद्धराज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपियों को पुलिस को कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया है। सिटी चौकी इंचार्ज रामलाल ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मास्टरमाइंड बौद्धराज पहले भी इंदिरा मार्केट स्थित बैंक की शाखा में 2 बार चोरी का प्रयास कर चुका है। इंदिरा मार्केट मंडी में दिनांक 13-14 की रात्रि को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की बैक साइड की दीवार को तोड़कर अंदर जाके कटर से चोरी करने की कोशिश की गई। तो उस चोरी के बाद दिनांक 28-29-7-16 की रात्रि को भी इसके थोड़ी दूरी पे इंदिरा मार्केट में ही ज्वेलर भवन ज्वेलर की शॉप से भी बैक साइड से दीवार तोड़ के जो है चोरी की गई। तो इन दोनों चोरियों में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो भगवंत ज्वेलर की चोरी है, इसमें हमने दिले राम स्नोफ सीताराम आरओ बड़ेची नाल ढागर कलनी तहसील थुनाग जिला मंडी व दुनीचंद उर्फ दिनेश कुमार स्नोफ हेमराज आरओ जजरोत डागर बालट तहसील बल जिला मंडी को 16-8 को जो है गिरफ्तार किया है। और इन दोनों को पिछले कल माननीय अदालत सीजीएम साहब मंडी के समक्ष पेश करके 6 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, तथा पिछले कल जो हमारी बैंक की जो चोरियां हुई है उसमें बोधराज स्नोफ ताराचंद आरओ डग्याल डागर कलनी तहसील थुनाग जिला मंडी को जो है इसके घर से गिरफ्तार किया गया है। और इसे आज माननीय अदालत एसीजीएम सुंदरनगर के समक्ष पेश करके 5 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया गया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। सिटी इंचार्ज रामलाल ने बताया कि चोरी की वारदातों के मुख्य आरोपी को सराज कलणी उसके घर से पकड़ा गया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। ये जो बोधराज है इसने ये भी माना है कि 2014, 2015 और 2016 जो अभी चोरियां हुई है इसने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में सेंध लगाकर जो है इन दोनों साथियों के साथ जो है फर्स्ट जो चोरी है इसने खुद अकेले जाके एक होल है वहाँ पीपल के पास से उससे जाके नीचे जाके सेंध लगा के इसने चोरी अंदर करने की कोशिश की दीवार तोड़ के। उसके बाद 2014 में इसने दिले राम के साथ जो ये अभी मैंने बताया दिले राम के साथ जो ये चोरी करने के लिए जो है अंदर जाके इन्होंने कोशिश की। और अब जो ये 14 जुलाई पिछले महीने की जो बात है इसमें इसने बोधराज ने इसके साथ ये दुनीचंद जो बल्ल वाला है इसके साथ जाकर जो है इन्होंने कैमोफ्लाइज करके कटर और सारा सुविधा करके जो है अंदर जाके कैमरों की तारें काट कर और सारन को तोड़कर जो है कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। तो इन्हें हमने गिरफ्तार किया गया है और अभी पुलिस रिमांड पे हैं तीनों लोग। इनसे हर पहलू पे पूछताछ की जा रही है और ये जो दिले राम और दुनीचंद है इनसे जो है चांदी और कुछ सोने की जो ये तिलियाँ हैं और चांदी 4 केजी 460 ग्राम चांदी की जो है रिकवर की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।